हम खेत में आ गए, पेड़ लगाएंगे। तो अभी देखिए दोस्तों, हम लोग अभी नर्सरी के अंदर सरदार शहर के अंदर पौधे लेने के लिए आए हैं। मैंने कल ही जो देखा था कि दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा, जो मुझे गूगल ने बताया था, बांस का होता है। लेकिन राजस्थान के लिए बांस यहाँ पर ज्यादा पानी है नहीं, तो यहाँ पर सहजना या मोरिंगा का पौधा होता है। तो ये यहाँ पर जो इस नर्सरी से हम लोग ले रहे हैं मोरिंगा, 10 ग्राम 12-13 भी ले ले, सरकारी नर्सरी है, 5-10 रुपए में पौधा होगा मुश्किल है नहीं, इतना कोई नहीं, 10 गो है तो और ज्यादा ही ले लेते हैं। हाँ ये दिक्कत है, कोई लगाने में हथियार भी है के? जल्दी जल्दी खड्डो खोद नाल, हथियार तो हथियार अच्छा ये क्या है कि लगभग खोद के लगाया, अच्छा खड्डा खोद के, छोटो है, दो भाई दो को खड्डो खोद के लगाओ, पौधो कितनी अच्छी ग्रोथ करे, खाद और देनी है, दिखने में इसका पत्ता भाई टाली के जैसा है, सिस्टम के जैसा। अगर इतना तो जल्दी जल्दी बढ़े तो पूरा बाग भी तो लगा सका, इनको ले दो चार बंद दे, कितना 10 लिया है, चलो एक बार में लगे 10 से आगे चेत में लगा लेंगे। इकोनॉमिक फायदा लेना तो मालाबार नीम लगाओ, मालाबार नीम वो भी तेज गति में बढ़ेगी, वो बहुत दो के 3 साल में 40 फीट है, वो 3 साल में 40 फीट, 8.5 रुपया किलो गिली लकड़ी थी, क्या भी हर साल पौधा लगाओ बिना कुंटल, मान 20 मिले अच्छा कोशिश करेंगे भाई, गवर्नमेंट खुद ही तो करे नहीं मोटिवेट, तो लोग लगाओ अपने राजस्थान के अंदर, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगेंगे तभी तो हरा भरा होगा। नहीं कृषि विज्ञान केंद्र है भाई साहब सरदार शहर के अंदर। उसके बाद में पेड़ तो ले लिए, उसके बाद में बाजार से निकल रहे थे तो कई सारे आप लोग मिल गए सब्सक्राइबर, मिलने का ट्राई कर रहे थे, और मेरी मम्मी तो आज भी ऐसे कहती है कि मुझे मिलना है, कब मिल पाऊंगी पता नहीं। हेलो नमस्ते भाभी, नमस्ते सर, आपके बहुत बड़े फैन है हमें, अच्छा आप देख के बहुत, नहीं हम अलग है, अच्छा और ठीक हो, और ठीक, हाँ ले लो ले लो, बहुत सब्र, यूट्यूब देख के बहुत लंबा सफर है सर, तो चलो ठीक है, अब सब्र काम जा रहे हैं, काम जा रहे हो खेत दिखाने, अब खेत में जा रहे हैं सीधा, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो, बस वीडियो में देखा था आपको, आज ऐसे विश्वास नहीं हो रहा कि सही में मिलना हो रहा है, और कैसे हो, और ठीक है, क्या नाम है आपका, स्नेहा पारीख, स्नेहा पारीख, अच्छा आप पीछे से उधर से आए होगे, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैंने देखा अरे रोको एक बार तुम जाओ चाहे मेरे को मिलने दो, अच्छा वापस जा रहे हैं, अब सीधा खेत में जाएंगे भाई, वहाँ पर जाकर के आज जो लेके है ना तुरंत ही पेड़ लगाना चाहते हैं, मौसम है बारिश का ताकि जो जड़े पकड़ जाए, पानी की हमारे पास में बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं है, जाते सीधा खेत के अंदर पेड़ लगाना है। उसके बाद में हम लोग जो घर से आने के बाद में पानी ले लिया साथ में, आइसक्रीम ले ली, बच्चों को ले लिया, खाते खाते जा रहे हैं खेत में, खाते खाते जा रहे हैं खेत में आइसक्रीम, खाते खाते जा रहे हैं तो आइसक्रीम भी को नहीं फिंग ले क्योंकि ठंडी फोन आवे सके। देखो देखो गाड़ी के अंदर क्या हालत हो गई सारे पेड़ पौधों की, हम लोग इस कुंडे के अंदर रख करके सारे लेके जाएंगे और सारे मुझे ही रखने पड़ेंगे अपने कंधे पे, दम लगा के चाची ले लेगी, ले ले शाबाश बेटा, हो गया देख तो खराब हो गया, आगे सी गुण ले सी, मम्मी ले ले सी, मम्मी ले ले सी, तेरे सागे ले जा कोई बेटा, मम्मी सागे लेगी। तो भाई ये हो गए पेड़ और साथ में ऐसे पानी लेके आए, इतनी इतनी केतली भर के, वो देख लो, एक छोटा सा प्रयास है, हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था हुई नहीं, हम लोगों ने ऐसे सोचा लगा तो देते हैं, चलो ठीक है 20 लगाएंगे, उसमें से अगर 2, 5, 10 भी बच गए बहुत बड़ी बात होगी, बरसात अभी आने वाले है, मौसम चल रहा है आ भी सकती है, इसलिए शाबाश इन्हें 2 किलो लेके जा रही है पानी, मैं 3 किलो लेके जा रही हूँ, चलो बेटा चलो ले एक और इन।
भाई यार भारी है, ले उडू नहीं दे उडू नहीं बनाऊं। कितू नट करो, मैं ले जाऊं 2 मिनट में इन्हें। अच्छा 20 25 किलो तो है कम से कम। 20 25 किलो कौन से कीजे कि इतना बड़ा मोटियार हो तो गड जावे चकने मन्ना थोड़ी करो। मैं ऐसे कह रहा हूं सर पे लगाने के लिए, ओढ़ना दे दे क्या काम आएगा। यहां यहां हां यहां देखो ले जाओ उतना ले जाओ, नाटक ना करो नहीं मैं ले जाऊं। पापा आवे बेटा एक साइड कर लियो थे बहुत बहुत मुश्किल है भाई साहब। 0.5 कर गाड़ी लोग है रस्ते में गिरना बड़ी मंद लगे। ले जाओ ले जाओ साला भी दूर तो ले जाओ। चलो बेटा चलो गाड़ी लॉक कर देगी, गाड़ी करी ना करी देख लो, मैं सर खड़े थोड़ी रहूं। चलो बेटा चलो 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 भाई चलो, बहुत दूर लेके जाना है भाई, थोड़ी दिनों की बात है फिर तो गाड़ी जाएगी एकदम आगे तक। भाई साहब कड़तू के अंदर धुआं निकल गया, इतने सारे पेड़ लेकर के मैं देखो कहाँ से आया हूँ, उस कोंट से कॉर्नर से आया हूँ एकदम लास्ट में दिख रहे ना इस खेजड़ी के पीछे। हरा भरा सुंदर खेत, ये देखो इस साइड में बाजरा है, बाजरा बहुत नज़दीक नज़दीक में जाडी जाडी है बाजरी, इस वजह से जो है पूरी अच्छी तरह से पक्की नहीं है, सिट्टी नहीं निकाल रही है। ये देखो ये बाजरा है, सिट्टी के अंदर अभी दाने पड़ने शुरू हो जाएंगे बाजरी के। भाई साहब और सब तो ठीक है, हवा नहीं चल रही है, एक एक फली शुरू हुई है अभी तो ज़्यादा नहीं है। गोदी आजा बेटा, शानी है तू तो। गोदी बाकी भाई आजा, आंगली पकड़ दो आंगली, जाते टाइम थोड़ी सब्जी लेके चले जाएंगे घर पे, खेत में सब्जी है टिंड सी की हुई हुई, थोड़े बहुत लोहिया भी है। बस बस बहुत है, हाँ ये तो काट दे काट दे काट दे। ये बोलते हैं इसको तितर, जो भी बोल रहे हैं ना पक्षी, चलो ऐसे लगा रहे हैं भी बीच बीच में ले ओ। कोई भी लियो नहीं इसे थाली, ये दूसरा रोड नाम भूल गए, मुरंग मोरिंग मोरिंग इशो सोफियो, ये लाग से छाया की कौन लग छायादार है। बस ओ थेलड़ा गणेश सॉरी पड़ते हैं, देख 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 तो अरे अरे बिग मार लगा के रे पड़ तुम लग पहली बार लगावे के रोइन पाई है लट सी हो कट है चलो भाई पेड़ पानी हमारे पास है कम, इतना ही मिलेगा। देखो भाई अब जो मेरे हाथ में एक कस्सी, सारे खड्डे मैं खोदूंगा, मेरे लपक पे खोद दोगे, लो लो पिन है थोड़ी पार्ट जी थैली इन चल सॉरी घनी पट है थैली निकालो तो निकाल ले पूरा। हाँ ये तो गेरी शो था। देखो भाई हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, अल गजर से निकल गई बीज तो, ये नया ही पेड़ है थोड़ी ऐसे बता रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी इसकी छांव हो जाएगी, थोड़ा जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएगा, ऊपर ले के आओ पार्ट पूरा नहीं पहला ही कर दियो नहीं फिर मैं नहीं सोरू निकले ई खातिर पिन मांगो तेरे को ना ठू करने का केतली पड़ी है घर का। ए भगवान ओ सुनो रे उस टाइम इमु के सो थोड़ी कर लो तो लगा दे। ये तो है, भी तो बढ़िया लगाओ फटाफट लगाओ, बारिश आ गई। ओ
बारिश आ गई, हम पेड़ लगा रहे हैं और तुरंत बारिश आ रही है पेड़ों को पानी देने के लिए। जरूरत ही नहीं है, पेड़ों की किस्मत है भाई, हमने तो ऐसे सोच लिया लगा देंगे, बाकी इनकी किस्मत है। फटाफट लगाओ, देख अभी पेड़ ने लगा गए खड्डो पूरो ही बूर गई तो देखो ऐसे ही लगा रहा हूँ, पानी हमारे पास जो थोड़ा थोड़ा ही है, थोड़ा सा मैं काम चला रहा हूँ। ये लाइन से खूब सारे खड्डे खोद दिए, सिया के पापा इनमें पेड़ लगा रहे है। हाँ हम पौधे इतने ज्यादा लेके आ गए कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे है, खड्डे खोदते खोदते और थक गए और साथ में पानी भी खत्म होने वाला है, थोड़ा ही बचा है पानी भी, दो पौधे वापिस घर पे लेके जाएंगे। और अभी थोड़ा अंधेरा होने वाला है तो हम ऐसे सोच रहे हैं कि थोड़ी सब्जी भी लेके जाएंगे, तो फली और लोहिया ढूंढेंगे अभी। ये ग्वार है और इसके अंदर है अभी है ना, थोड़ी थोड़ी फली लगी है, ज्यादा नहीं लगी है, ढूंढ ढूंढ के तोड़ रहे है। देखो भाई ये लास्ट पौधा है, खेजड़ी है, उसके बाद में वापस घर जाएंगे। करीब 1.5 से 2 घंटे हो गए लगातार लगाते हुए और दो बच्चे हैं वो घर पे लगाएंगे जाकर। अंधेरा हो गया देख लो, शाम हो गई, पानी बचा ले। क्यों आगे एक और कोल गाना सब्जी तोड़ी के कोई सब्जी तोड़ी है निकली मोट था ये। अब अंधेरे हो गए दिखे कौन थे, सिर्फ फली फली तोड़ी लागे। कर लो ये तोड़े फली, एक लोई है ठीक है, एक टाइम की सब्जी तो थोड़ी टाइम नहीं मिला ना इसलिए। ये कर ले तेरा वीडियो बना ओ सब्जी बनाए गए कचर कचर बनाए गए कचर की सब्जी बना से। रात के अंधेरे में बारिश का समय तो मच्छर इतने आ रहे हैं, कांच के टकरा रहे हैं और खुश हो रहे हैं, बिजली कड़क रही है। बारिश आए